नमस्कार, मैं हूं पूजा वर्मा और जानो जंक्शन के मेरे एडिटोरियल में आपका स्वागत है। मंदिर मस्जिद, गंगा जमुनी तहजीब, वाद विवाद, तू मैं, असदुद्दीन ओवैसी, अदालत आदि इत्यादि, आज इन्हीं सब मुद्दों पर आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं कोई भी पत्रकारिता वाली डिप्लोमेसी या लाग लपेट वाली भाषा का प्रयोग नहीं करने जा रही हूँ। खुलकर बात करते हैं, दिल से बात करते हैं। सबसे पहले मैं श्रीमान ओवैसी जी के बयानों को सामने रखना चाहती हूँ और फिर उनका सीधा जवाब भी देना चाहती हूँ। पहले सुनिए ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद विवाद पर उन्होंने क्या कहा। जब मैं 20, 19, 20, 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19-20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? तो अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठा कर कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। ओवैसी जी उल्टा चोर कुतवाल को डांटे, क्योंकि सच ये है कि आपसे कुछ भी छीना नहीं जा रहा, छीना गया है हिंदुओं से विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा। इस हिंदू भूमि पर हिंदुओं की आस्था वाले पवित्र मंदिरों का विध्वंस किया गया, क्योंकि उन्हें अपने वतन से लाए गए एक पंथ विशेष को जबरदस्ती थोपना था, तलवार की जोर पर फैलाना था। उन आक्रांताओं के सामने शांति प्रिय हिंदुओं ने या तो प्राण दे दिए या मजबूरन घुटने टेक दिए। ओवैसी जी, आपसे या आपके समान सोच रखने वाले उन तमाम लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या आपने कभी ये विचार करने की कोशिश की कि आपके सनातनी पुरखों ने टूटने से पहले किस प्रकार डर, प्रताड़ना और जहालत को झेला होगा? नहीं, ऐसा मैं इसलिए कह सकती हूँ कि यदि आपके भीतर इस बात का जरा भी दर्द होता, अपने असली पुरखों के लिए सम्मान होता, तो आपके और आपके उन भाइयों जो औरंगजेब की मजार पर जाकर सजदा करते हैं, उनके मुख से ऐसे जहरीले बोल नहीं निकलते। इसलिए मियां, ये भड़काना छोड़ दीजिए कि मुसलमानों से उनकी चीज छीनी जा रही है, क्योंकि सच्चाई ये है कि जो हिंदुओं से न सिर्फ जबरदस्ती छीने गए थे बल्कि उन्हें नष्ट भी करने की भरपूर कोशिश हुई, ऐसे लाखों हिंदू मंदिरों में से गिने चुने 3-4 मंदिरों को हिंदू वापस लेने की गुहार लगा रहा है। जी हाँ, सिर्फ गुहार, उन देवस्थानों के लिए जो सनातन धर्म की सर्वोच्च आस्था के केंद्र है, राम और कृष्ण के जन्म स्थल है, शिव के त्रिशूल पर बसी नगरी है। और ये गुहार 2014 के बाद किसी मोदी के आने से नहीं शुरू हुई, बल्कि सैकड़ों साल से जब से ये नष्ट हुए तब से लगातार चली आ रही है। इन सब मंदिरों के पीछे हिंदुओं के एक लंबे संघर्ष और बलिदान की गाथा है, इतिहास है, जो हिंदू मुस्लिम सभी हिंदुस्तानियों को जानना चाहिए। और ये भी देखिए, आज भी इस लड़ाई को हिंदू कानूनी रूप से शांतिप्रिय ढंग से लड़ रहा है। ये जरूर है कि इतना बदलाव सैकड़ों साल बाद आया है कि हिंदुओं की बात भी सुनी जा रही है, क्योंकि मोदी जी की सरकार बराबरी में विश्वास करती है, तुष्टिकरण और वोट बैंक में नहीं। जनाब ओवैसी साहब, ये आप क्या कहकर भड़का रहे हैं? तो ये शैतानी ताकतें जो ललचाई नजरों से हमको अपनी तहजीब से महरूम करना चाहती है, इनको पैगाम मिल जाएगा कि अब दोबारा मुसलमान भारत का मस्जिद खोने को तैयार नहीं है। बाबरी को खोने के बाद आपको बहुत दर्द है और अब ज्ञानवापी नहीं खोना चाहते, तो मैं पूछती हूँ, एक हड़पे हुए ढांचे को खोकर आप इतने दुखी हैं, क्या आपने कभी ये सोचा कि हिंदू अपनी भूमि पर अपने पूजा स्थलों को सदियों से एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार खोता चला आ रहा है? जितने मुस्लिम आक्रांता आए, सब ने लूटा, सब ने मंदिर तोड़े, तो हिंदुओं के दुख की पराकाष्ठा क्या होगी? मंदिर मस्जिद खोने के दर्द को मापने तोलने का कोई मीटर, कोई तराजू है आपके पास तो तोल कर बताइए ना, किसका दर्द ज्यादा है?
फिर भी हिंदुओं ने संयम से काम लिया है, अपने हक के लिए कानून का रास्ता अपनाया है, पर आप मुस्लिम समुदाय को सेंटीमेंटल ब्लैकमेलिंग कर उन्माद पैदा करने में लगे हैं। जिस गंगा जमनी तहजीब की आप अक्सर दुहाई देते हैं, उस तहजीब की नसीहत आप अपनी कौम को भी दे सकते थे, बजाय इसके कि सिर्फ हिंदुओं से इसकी उम्मीद करें। वरना ऐसा तो नहीं है कि बरसों से जो मुस्लिम भाई ज्ञानवापी में नमाज पढ़ने जाते रहे हैं, उन्होंने दीवारों पर वो देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं देखी होंगी जिसे सर्वे टीम ने देखा, वो कमल, वो स्वास्तिक, वो शंख की आकृतियां नहीं देखी होंगी जो चीख चीख कर कहती होंगी कि मेरे विध्वंस पर तुम्हारी इबादत खुदा को कबूल ना होगी। लेकिन किसी भी अल्लाह के बंदे ने अपनी तरफ से ये उदारता क्यों नहीं दिखाई कि भाई मैं गलती से तेरे घर में घुस गया। और आप जैसे मुस्लिम नेता और स्कॉलर जिनकी बातों का मुस्लिम समुदाय पर असर हो सकता है, इस वक्त बड़ा दिल और भाईचारा दिखाते हुए मुसलमानों से अपील कर सकते थे कि इन मंदिरों के मुकदमों में मुस्लिम पक्ष अदालतों में विरोध करना छोड़ दे, तो जानते हैं आपकी शान घटती नहीं बल्कि उसमें इजाफा ही होता, क्योंकि तब आप सिर्फ मुस्लिमों के ही नहीं बल्कि हिंदुओं के भी सम्मानित नेता बन जाते। जवाब तो आपको किसी और ने भी दिया है जो यहाँ सुनाना चाहती हूँ। हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से अच्छा कोई मुल्क नहीं हो सकता और हिंदू से अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता। इस बात को समझना होगा ओएसी जैसे नेताओं को जो हमारे देश में दंगे भड़काने की कोशिश करते हैं। आज भारत में जरूरत है कि लोग नेताओं के भड़काऊ बयान को सुनने के बाद अपने विवेक से भी काम लें। मैंने कुछ मुस्लिम भाइयों की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर कहीं पढ़ी थी कि ज्ञानवापी के बाद मथुरा की बारी आएगी, फिर कुतुब मीनार और ताजमहल को लेकर भी अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक और शाहजहां की ओरिजिनल क्रिएशंस नहीं है बल्कि प्राचीन हिंदू राजाओं द्वारा निर्मित वास्तुकला थी जिसे तोड़ फोड़ कर ऊपर से रीमॉडलिंग की गई। विरोध करो वरना ये आगे भी चलता रहेगा। सच कह रहे हैं आप। अब वो समय आ गया है कि हर सच से पर्दा उठाया जाए, लेकिन इसके लिए मुस्लिम समुदाय को डर या दुख किस बात का है? यदि ये पता लग जाए कि ताजमहल कभी हिंदू शासकों द्वारा बनाया गया तेजो महालय था, या ये सिद्ध हो जाए कि कुतुब मीनार सम्राट विक्रमादित्य चंद्रगुप्त निर्मित प्राचीन खगोलीय वेधशाला थी, ऑब्जर्वेटरी, जहां उस विष्णु स्तंभ के ऊपर चढ़कर वराहमिहिर सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन करते थे, इससे किसी के भी मन को चोट क्यों लगे? भारतीय मुस्लिमों को ये क्यों बताया जाता है कि ऐसा हो गया तो आपकी शान में गुस्ताखी हो जाएगी? क्या आप इस सत्य से प्रसन्न और गौरवान्वित नहीं हो सकते कि मुगल तो बहुत बाद में आए, लेकिन हमारे अपने भारत की प्राचीन वास्तुकला और हमारा विज्ञान हजारों साल पहले इतना उन्नत था? ये इसलिए है मेरे भाई क्योंकि आपको बचपन से मदरसों में ये घुट्टी पिलाई गई कि मुगल तुम्हारे अपने हैं, सम्राट चंद्रगुप्त नहीं। भारत की सनातन भूमि पर जहां हर पूजा पद्धति को सम्मान दिया जाता है और सनातन वो है जो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है। सीधी सी बात है, चंद नेताओं की राजनीति चमकाने के लिए जो लोग ओवैसी जी के साथ नारे लगा रहे हैं ना, वो हिंदुओं के संयम को ललकार रहे हैं, जिससे अब हिंदुओं की ओर से कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं जिन्हें देखकर कोई अचरज नहीं होनी चाहिए। ये ट्वीट है भाजपा नेता अभिजीत सिंह सांगा का, देखिए आप भी। पांच गांव नहीं दिए तो पूरा राज्य खोना पड़ा था दुर्योधन को, हमने भी तीन मंदिर मांगे थे तुम नहीं माने, अब तैयार रहो सारे मंदिर वापस लेंगे। मान लीजिए यदि ये तथ्य स्थापित हो जाए कि कुतुब मीनार और ताजमहल हिंदू स्थापत्य के अवशेष हैं, तो क्या बदल जाएगा? शायद आपने कल्पना न की हो पर मैंने की है। इन दोनों के बाहर लगे बोर्ड पर लिखी गई जानकारियां बढ़ जाएंगी कि पहले इसे फलां शासक ने बनाया, बाद में उसके फलां शासक ने ये तोड़ा, फिर ये बना दिया। इसके साथ ही ताजमहल के गाइड्स को कुछ एक्स्ट्रा रटना होगा पर्यटकों को बताने के लिए। ताजमहल के सारे तहखाने और दरवाजे खुल जाएंगे और उसे देखने के लिए और भारी संख्या में पर्यटक आएंगे। सारी समस्याएं सिर्फ राजनीति से पोषित एक विचारधारा की वजह से है
और मैं मानती हूँ कि हमारी नई पीढ़ी के मुस्लिम युवा इस संकुचित विचारधारा से बाहर निकल सकते हैं और दूसरों को भी निकाल सकते हैं। धन्यवाद।